कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित कोरोना वायरस रोकथाम के लिए स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में इन दिनों पब्लिक का डिमांड कम देखने को मिल रही है। ई डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित कंट्रोल रूम में विभिन्न विभागों के अधिकारी जनता की समस्याओं को लेकर लगातार उनके फोन को रिसीव कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान भी किया जा रहा है। कंट्रोल रूम में राशन, बिजली एवं सुरक्षा के लिए अब फोन आने कम हो गए हैं। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में आ रही शिकायतों की संख्या काफी थी, लेकिन अब जिला प्रशासन द्वारा लगातार व्यवस्था किए जाने के बाद अब लोगों को काफी राहत मिली है और लोग अब राहत महसूस कर रहे हैं। चलिए भाई, तो आप किस तरह कंप्लेन आ रहा है बिजली का? इसमें बिजली का जो कंप्लेन आ रहा है लोगों का, जैसे घर की लाइटें जैसे फाल्ट हो जाती है वो आ रहा है, या हवा चलने से जहां तार और टूट जा रहा है गांव देहात में, उस तरह की कंप्लेने आ रही है। ट्रांसफार्मर की कंप्लेन? ट्रांसफार्मर की कंप्लेन तो अभी तक नहीं आई है, बस ये गांव में आ रहा है कि दिन में बिजली कट रही है, गेहूँ के फसल के मद्देनजर शटडाउन हो जा रहे हैं और शाम से बिजली लग जा रही है। गेहूँ की फसल तैयार है, तार कहीं शॉर्ट हो के जल न जाए, इसलिए दोपहर में गांव देहात की लाइटें काट दी जा रही है और वो शाम को पुनः आ जाए। तो बिजली बिल जमा करने का, बिलिंग की भी कोई आ रहा है? बिजली का बिल का सब ऑनलाइन इस तरह भुगतान कर रही है। इस तरह कोई कंप्लेन आ रहा है? नहीं, अभी इस तरह का नहीं आया है। आज पेपर के माध्यम से भी एक SMS नंबर दिया गया है कि उस पर SMS करने पर बिजली का बिल ऑनलाइन भुगतान करने का लिंक दिया जाएगा, जिससे आम पब्लिक अपने बिलों का भुगतान कर सकते हैं ऑनलाइन। किस तरह की कंप्लेन आपके काउंटर पे आ रही है? ज़्यादातर राशन से संबंधित, ये खाना नहीं है, राशन नहीं है, कुछ लोग तो मोबाइल चार्ज के लिए भी मांग रहे हैं, तो इस तरह के मतलब नहीं लिया जा रहा है। बाकी राशन संबंधित उनको पहुँचाया जा रहा है मतलब, और खाने का तो पहले जितने कंप्लेन आते थे या जरूरतें के लिए फ़ोन आता था, अभी उतना ही आ रहा है? हाँ, कंप्लेन आ रहा है। किस तरह कंप्लेन आ रहा है अभी इस समय? सर, इस समय गैस, राशन, दवा इसी का आ रहा है। और कहीं मारपीट, झगड़ा इस तरह का कुछ नहीं? नहीं नहीं, इस तरह कुछ। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं या गांव में खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, इस तरह की भी कोई आ रही है? हाँ, उस तरह का जैसे क्वारंटाइन कराया गया है, गाँव वाले कभी कभी शिकायत करते हैं कि क्वारंटाइन कराया गया था, वो लोग भाग गए हैं, तो उसको थाना अध्यक्ष के स्तर से उसको देखा भी जा रहा है, उस क्षेत्र के थाने पे फोन कर देगा? हाँ, फोन करके वार्ड सेट से जो बता दो। मारपीट की कोई बात नहीं? नहीं, ऐसी कोई। फिर किस तरह का कंप्लेन आ रहा है कौन पर? सर, ये सर क्रेडिट कार्ड से भी कंप्लेन आती है, सर हर गवर्नमेंट ऑफिसर को अपने लिए भी ले रहे हैं, उसके बाद किराने से शिकायत है, होलसेलर है, गेहूँ के हैं, आटे के हैं, चावल के हैं, उनकी है शिकायतें हैं, सब्जी के ठेले वाले उनकी शिकायतें हैं, उसके साथ ही साथ और भी सर मेडिकल इमरजेंसी जिसकी इसको बाहर जाना है उसके लिए है, किडनी डायलिसिस वाले हैं, कीमोथेरेपी वाले हैं, हर तरह की समस्या है। तो पास को लेकर भी कुछ आ रहा है? पास के लिए आ रहा है, तो पास जिसका जरूरी है उसको दिया रहा है, जिसको बहुत आवश्यक है उसको पास जारी किया रहा है। उनका नाम और मोबाइल नंबर मिल जाएगा। पहले जो कंप्लेन आते थे वही है कि कुछ कम हुए हैं? बहुत सारे कंप्लेंट्स कम हो गए हैं, पहले साग सब्जी के लिए ज़्यादा आते थे, अब मुश्किल से दिन भर में दो या तीन ही कंप्लेन आ रही हैं। ज़्यादातर हमारे पास कंप्लेन ई पास के लिए आ रही है और राशन के लिए आ रही है, लोगों को जो राशन मुहैया करा रहे हैं उनको पात्र और अपात्र देख करके हमारे DSO साहब और हमारी जो जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब और VCGDA साहब की टीम जो नेपाल क्लब में हैं वो लोग वेरीफाई करके
उनको पूरी राशन मुहैया कराते हैं जो प्राप्त होते हैं, जो अपात्र होते हैं उनको समझाया जाता है कि ये भाई उनके लिए है जिनके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, जो भी झोपड़ियों में रहते हैं चाहे रोड पे रह रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो जीते थे उनके लिए। और क्या और कुछ गैस के या बिजली के इस तरह के कंप्लेन? गैस और बिजली की कंप्लेन बहुत कम हो गई है। गैस की कंप्लेन में ख्याल से कल 7 आई थी, वो भी मतलब बुकिंग हो गई थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे, दो लोगों के पास वो ऐसी कंप्लेन आई थी, तो बाद में उनको बताया गया उनके पास पैसे थे, फ़ोन पे उन्होंने बोला पैसे नहीं थे, वहाँ जाने के उन्होंने पैसे भी पेश किए अपना गैस के लिए। तो कुछ इस तरह का भी आ रहा मामला कि राशन है उसके बावजूद लोग फ़ोन कर रहे हैं, क्या इस तरह का भी कोई आया है फ़ोन? काफ़ी लोग हैं जो सहज हैं खुद के खाने पीने के लिए, लेकिन उनको क्योंकि बगल के लोगों को मिल गया है किसी जिसको गरीब को तो उनको भी चाहिए, ऐसे कई मामले आए हैं जाने पे प्रकाश में आया है ये सब। बाकी कुछ पहले से नॉर्मल? बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छे से चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है।